खुदावंद तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया तू मेरा उठना बैठना जानता है तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है देख मेरी जबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू आय खुदम पूरे तौर पर ना जानता हो तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है तेरा हाथ मुझ पर है तेरा हाथ मुझ पर है ये इरफान मेरे लिए निहायत अजीब है ये बुलंद है मैं इस तक पहुंच नहीं सकता मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हुजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है अगर मैं सुबह के पर लगा कर समुंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दहना हाथ मुझे संभालेगा अगर मैं कहूं कि यकीनन तारीखी मुझे छिपा लेगी तो मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा <laughs> तो अंधेरा भी तुझसे छिपा नहीं सकता अगर मैं कहूं यकीन तारीकी मुझे छिपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता बल्कि रात भी दिन की मानिंद रोशन है अंधेरा और उजाला दोनों यकसा हैं क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया मेरी मां के पेट में तू ही ने मुझे सूरत पक्षी मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब गरीब तौर से बना हूं तेरे काम हैरत अंगेज हैं मेरा दिल इसे खूब जानता है आए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझमें कोई बुरी रविश तो नहीं और मुझको अधी राह में ले चल कल आमेजन की प्रोग्राम देख रहे हैं आप कब से देख रहे हैं कहाँ देख रहे हैं यह आपको मालूम है और ख़ुदा को मालूम है मुझे तो इतना मालूम है कि यह खुदा का रहम है मुझ पर इसलिए खुदा का शुक्र गुज़ार हूँ मुझे ये भी मालूम में से बहुत से हैं जो इस खिदमत के लिए दुआ करते हैं बल्कि सभी के लिए दुआ करते होंगे आप जो कलाम सुनाने वाले हैं उन सब के लिए दुआ होनी चाहिए सबके लिए खुदा का शुक्र होना चाहिए शक्र गुज़ारी करनी चाहिए सो मैं खुदा का शक्र गुज़ार हूँ आप सबके लिए और मेरी दुआ यह है कि खुदा आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से कलाम के वसीले से हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कसरत से बरकत दे आमीन के प्यारों और आप सब जो खुदा उन जानना चाहते हैं मुतलाशी हैं तलबगार हैं आप सब पर खुदा उनके प्यार की नजर है जैसे हमने पढ़ा था ना एक सौ उनतालीसवें जबूर में जरा देखो तो खुदा इतना ध्यान रखता है इतनी निगाह रखता है आप उसकी निगाह में है ये इसीलिए तो कहा था ना ज़बूर बत्तीस में उसकी आठवीं आयत में मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा मैं तुझे सलाह दूंगा और देखिए मेरी नज़र तुझ पर होगी ये ज़बूर आप फिर से पढ़िए एक सौ उनतालीस और देखना कि कहाँ कहाँ खुदा उनकी नज़र उन पर है जो उसकी तरफ देखते हैं उम्मीद से उनके लिए तो लिखा ना ज़बूर चौंतीस में कि उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनवर हो गए उज्जवल उज्जवल हो गए रोशन हो गए अरे वो अपने आप में कोहेतूर बन गए <laughs> उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनवर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी तो ये जो सिलसिला है कि कोई शख्स अपने आप को खुदासूम के सुपुर्द करे हाल तो उसका अफसोसनाक होता है शर्मनाक होता है दर्दनाक होता है लेकिन जब वो अपने आप को खुद मसीह के सुपुर्द करे तो पाकरू उसकी ज़िंदगी में काम शुरू कर देता है और वो जारी रहता है और ये दो किस्म के काम होते हैं जिसमें से एक पहलू पर आज हम गौर कर रहे हैं एक पहलू ये होता कि उसकी ज़िंदगी में क्या काम करता है और दूसरा पहलू ये होता है कि उसकी ज़िंदगी के वसीले से क्या काम करता है दोनों हैरत अंगेज़ काम है और दोनों काम जारी रहते हैं। इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करता रहता है इसीलिए लिखा है खुदा के कलाम में दूसरा करंती चौथा बाब और उसकी सोलवी आयत है ये आयत मुझे बहुत पसंद है कि जू जूँ हमारी ज़ाहरी इंसानियत जायल होती जाती है तो तू हमारी बातनी इंसानियत रोज़ ब रोज़ नई होती जाती है ये जो नए होने का काम है हम नहीं कर सकते ये खुदा का फाखरू करता है और जिनकी ज़िंदगी में अंदर वो काम कर रहा होता है उन्हीं की ज़िंदगी के वसीले से बाहर वो काम करता है दूसरों के लिए लेकिन आज हम इस पर गौर करेंगे कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो ईमानदार की जिंदगी में जारी रहते हैं पहले दिन से लेकर उसकी सफर के आखिरी दिन तक और उसके बाद भी क्या रहता होगा खुदाई जानता है <laughs> क्योंकि पौलूस रसूल ने कहा अभी हमें धुंधला सा नजर आता उस वक्त रूबरू देखेंगे फिर क्या होगा <laughs> लेकिन जो कुछ यहां होता है वो भी हैरत अंगेज हैरत अंगे ताजुब ऐसे ऐसे काम खुदा ईमानदार की जिंदगी में जो ईमान ले आए है गुनाहगार बदकार है मैं अपनी बात कर रहा हूं जब उसको उस, मैं उसके हाथ में हूं अब जैसा हूं मैं ही जानता हूं <laughs> लेकिन मैं उसके हाथ में वो काम कर रहा है मेरी जिंदगी में तरबियत कर रहा है सिखा रहा है लिखा खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सबकी नजात का बायस है और फिर लिखा वो हमारी तरबियत करता है तालीम और होती तरबियत और होती है तरबियत में तकलीफ़ें होती मुश्किलें है होती हैं सज़ा होती है प्यार की वजह से कान खींचते हैं गोश माली होती है <laughs> खुदा करता प्यार की वजह से ना, प्यार की वजह से हमको सिखाता तो वो कौन सी चीज़ें हैं आप कहोगे हाँ ये ज़िंदगी में मेरी हो गई शुरू लेकिन ये ना सोच लेना कभी कि ये पूरी हो जाएंगी नहीं ये वो काम है जो जारी रहते हैं इट्साइपुल विदाउट एनी ग्रेजुएशन देर इज नो ग्रेजुएशन ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ये वो तो खुद देख के कहेगा कि तमाम हुआ वो कहेगा वो पेश करेगा खुदा के दूर हमें। हो गया काम लेकिन जब तक हम इस जिंदगी के सफर में हैं ये जारी रहेगा वो कौन सी बातें पहली चीज मैं खुदा के क़लाम में से वो पढ़ूंगा हिस्से तब हम देखेंगे वो क्या बात जरा देखिए मेरे साथ ये जो मैंने जबूर पढ़ा था एक उसकी आखिरी दो आयतें थी तेईस और चौबीस आयत और उसमें ये लिखा है आए खुदा तू मुझे जांच अभी तो पहले तो शुरू में ही कहा है खुदा तू ने मुझे जांच लिया और पहचान लिया ये तो हो चुका लेकिन ये जारी रहता है फिर कह रहा है आए खुदा तू मुझे जांच मेरे दिल को पहचान मुझे आसमां और मेरे ख्यालों को जान ले देख मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं <laughs> क्योंकि दूसरों को दिखाई देती है हमारी बुरी बातें खुदा को दिखाई देती हैं हम नहीं मानने को तैयार होते देख मुझमें कोई बुरी रबिश तो नहीं मुझको अब दीरा हमें ले चल जब वो देखता है और दिखा देता है तो वो दुख दूर भी कर देता है और ये काम इसको कहते हैं कायल करना यमुना की झील के सोलहवें बाब की आठवीं आयत में पाखरू की जो ईमानदार की ज़िंदगी में ख़दमत है काम है वो ये बताया गया वो कायल करेगा कायल करना मुजरिम ठहराना लेकिन जब वो मुजरिम ठहराता है तो वो इंसानों की तरह नहीं होता वो ऐसा होता कि इंसान खुद पहचान लेता है, मैं हूं मुजरिम मैं अपने आप को साबित कर रहा हूं कि मैं बहुत नेक हूं मैं बड़ा भारी आबिद हूं इबादत करने वाला हूं मैं तो ये करता हूं मैं तो वो करता हूं मैं ये देता हूं आए, ये सारी बातें जो होती उधर रह जाती हैं जब खुदा का पाक रूप दिखाएगा कि अंदर का क्या हाल है जब अंदर की मक्कारी और अयारी नजर आएगी धोखेबाजी अंदर होती है वो पाखरू दिखा देता तब फिर इंसान खुदा के दूर खामोश होके कहता है खुदा मुझ पर रहम कर नतीजा होता है तोबा तोबा का नतीजा होता है तकदीस उस कहते पवित्र होना पाक करना जब गुनागार आके रोता है उसके सामने तो खुदा उसको धोता है तोबा करना लिखा तोबा करो अमाल की किताब में तीसरे बाब की उन्नीसवीं आयत में लिखा है तोबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और ख़ुदा उनके से ताज़गी कर देना, और <laughs> तो ताजगी बख्शता है और अगर हम गुनाहों का इकरार ना करें और बाज ना आए तो तबाही हमारे लिए मुंतजर मुंह फाड़े जैसे मगर मुंह खोल के बैठा रहता पता नहीं लगता कि ये जानवर है कि लकड़ी है खुदा का शुक्र हो पाखरू की इस खिदमत के लिए कि वो ईमानदारों को दिखाता मुझ पर रहम करता है खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए कि वो हमको कायल कर देता है हमें मानना पड़ता है हम बांध जाते हैं अपना कसूर वरना दूसरे का कसूर साबित करेंगे अपने आप को रास्तवास बताएंगे और बहुत ही खौफनाक हालत है ये सबसे पहला काम है ये पाखरू का ईमानदार को साफ करना उसे दिखाना एक और चीज़ होती दूसरी चीज़ है दूसरी उसकी चीज को कहते कि जब इंसान को पता लग जाए कि यह गुनाह है मेरी जिंदगी में तो पाकरू मुजरिम ठहरा के छोड़ नहीं देता इससे भी प्यारा काम होता वो ताकत दे देता ताकि वो चीज जिसने हमें काबू में कर रखा है हम उस पर गलबा पाएं हम उसे विजय प्राप्त कर लेवा ये पाखरू का काम होता है जहां बताएगा कि तेरे अंदर ये जुर्म है तेरे अंदर ये गुनाह है तेरे अंदर ये तू बंधा हुआ है तो वो ताकत देता है देखा रूल कुछ हमारी ताकत है जब रूहुल कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे वो मददगार वो मदद कर देता है कि ला मैं तेरी मदद कर दू और ये जिस चीज़ के बारे में मैंने दिखा दिया तुझे ला ताकत दे देता हूँ दूर कर देखो कहाँ इसके बारे में कितनी प्यारी बात लिखी रूमियों का आठवां बाब है उसकी तेरहवीं आए थे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ देखिए लिखा है अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे रूह से बदन के काम हरामकारी शहवत परस्ती जादूगरी गंदे गंदे काम ये बदन में होते इसीलिए रूह कायल करता है कि ये देख तेरी जिंदगी में क्या है तू अपने आप को क्या समझ रहा है क्या समझ रही है हमें बता देता हूँ मेरी बेटी मेरे बेटे आ मैं तुझे दिखा देता हूँ क्या रुकावट है तेरी जिंदगी में तरक्की क्यों नहीं हो रही उसके बाद फिर वो ताकत दे देता है जब हम लाचार की तरह बैठ जाएं फिर वो आखिर उठ जा मैं तुझे ताकत दे देता उठ जा मेरी बेटी उठ जा मेरे बेटे <laughs> वो ताकत दे देता है फिर हम फता पाते उसकी ताकत से और नाबूद कर देते हैं उन ताकतों को जिनकी वजह से हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा होती है दुख पैदा होता है शर्मिंदगी पैदा होती है खुदा से दूरी पैदा होती है देखो इतनी प्यारी आयत है दूसरे करंथियों में मैं वो भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा दूसरा करंथियों उसका दसवां बाब है दूसरा करंथी दसवां बाब और उसकी देखो याद नहीं रहता लेकिन कोई बात नहीं लिखा है नौ दसवां बाब है और उसकी मैं पढ़ रहा हूँ तीसरी आयत से क्योंकि हम अगरचे जिसम में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिसम के तौर पर लड़ते नहीं हम अपनी कोशिश से अगर इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई करेंगे तो हमारे लिए कोई मौका नहीं है हम हार जाएंगे हारे वही होते हैं। लेकिन इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिसमानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक क़िलों को ढा देने के काबिल हैं चुनाचें हम ये देखिए जो जहाँ जहाँ जंग होती है ये है जंग का मैदान चुनाचे हम तस्वुरात इमेजिनेशन तस्वुरात एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बर खिलाफ सर उठाए है ढा देते ढा देते, बड़े सख्त अल्फाज है चिथड़े उड़ा के रख देते ईट से ईट बजा देते किले ढा देते। क्यों हमको मालूम है ये हमारे इमेजिनेशन में जो बात आई है ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है हमें बर्बाद कर देगी ये चीज तो जहां पाखरू हमको ये दिखाएगा कि ये देख क्या हो रहा है तेरे अंदर वो ताकत भी दे देता उस पर फतः पाने के लिए है ढा देते चुनाचे हम तस्वरात हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के सर खिलाफ बर खिलाफ सर उठाए हुए ढा और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमान बर्दार बना देते ये यह जारी रहती ऐसा नहीं कि एक दफ़ा मिल गई साल में हमने ये कर दिया था जी अपनी गवाही में हम लोग बताते शुक्र है खुदा का कि मेरे अंदर ये बुरी आदत थी ये मैंने छोड़ दी खुदा की था। अरे भाई और कुछ भी होगा ज़रा देखो पाघरू को काम करने दो ये बंद नहीं होता है शैतान हटता थोड़ी है वो एक तरफ़ से वो दूसरी तरफ से शुरू कर देता हो तो ये जंग जारी रहती है पता जारी रहती है तब्दीली होती रहती है एक और चीज़ होती है जहाँ कायलियत होती है क़वत होती है वहाँ पर राहत मिलती रहती है आप जाते हैं किसी जगह मीटिंग में जाएँ खुदा का शुक्र है उन फेलोशिप्स के लिए उन प्यारे प्यारे खादिमों के लिए बहनों के लिए जहाँ आप जाके बड़ा चैन मिलता है वहाँ हमद के गीत सुन के कलाम सुन के एक दूसरे से बातचीत करके राहत होती है नहीं ऐसा लगता है कि खुदा उनके पास आ गए जिसने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा जैन जान का आराम तुम्हारी जान राहत तो ऐसा लगता है कि यहाँ बड़ा चैन आया बहुत अच्छा लगा तो ये ऐसी चीज नहीं है जो वह मीटिंग में ही हो भाई वह वहाँ तो बड़ा अच्छा लगा गिरजे में जब लौट के आए तो सारा कुछ वहीं गिर गया घर में कुछ भी नहीं नहीं ऐसा नहीं अरे ये वो राहत है ये वो चैन है जो ज़िंदगी पर अपनी सकूनत रखती है ये चैन छीना नहीं जाता है ये इस किस्म की राहत है ये इस किस्म का चैन और आराम है रूह का जान का जो दुनिया की कोई दौलत से ख़रीदी नहीं जा सकती और शैतान के हाथ में ऐसी कोई क़ुव्वत नहीं है कि आपसे छीन ले <laughs> बड़ा चैन रहता बेचारा मजबूर सा खुदा का खा मेरी प्यारी सी बहन है बड़ा उसको तंग कर रखा है बड़ी मजबूरियाँ है। हैं ज़रूरतें बहुत हैं, फिर भी हटती नहीं है खुदा का कलाम ज़रूर सुनाना है ऐसे प्यारे प्यारे भाई हैं खुदा की खिदमत कर रहे हैं बड़ी मुख़लफ़त है उनकी लेकिन एक अजीब किस्म का चैन है उनको वो नहीं छीना जाता और ये जारी रहता है <laughs> वो उडेलता रहता है इस प्याले में पीते रहते हैं और डाल और पियो और डालो और पियो ये जारी रहता है राहत पिलाता है राहत के चश्मों के पास ले जाता है चश्मे सूखते नहीं हैं कभी यही तो बात है चश्मे में और दरिया सूख जाते हैं समुंदर का पानी नीचे को हो जाता है चश्मे में से निकलता रहता है <laughs> चश्मा है इसीलिए तो यसु मसीह ने कहा था अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए क्यों क्योंकि मैं जिंदा हूं हमेशा हूं ला तब्दील हूं तो ये जो चीज़ है ना कि जहां कालीत है दिखा दिया तेरे अंदर कमजोरी है ताकत दे दी उस पर फतः पाने की फिर बड़ा चैन खुदा दे देता है <laughs> लेकिन हमको बड़ा चैन है जो उसकी शरीयत से मोहब्बत रखते हैं। फिर देखो क्या होता है रात के बाद ये तरबियत जारी रहती है तरबियत सिखाना पुराने वक्तों में उस्ताद सख्ती से काम लेते थे ना हुँ? कभी आपके साथ हुआ है कान पकड़ने पड़े आपको मुर्गा बनाया कभी टीचर ने जब जब ज्यादा गुस्सा उनको आता था बजाय यहां मारने के यहां मारते थे <laughs> याद है आपको खुदा भी तरबियत करता अपने बच्चों की सिखाता उनको मुश्किलें आती हैं लेकिन उन मुश्किलों का मकसद ये नहीं होता कि हम बर्बाद हो जाएं उनका मकसद ये होता है कि सोने को आग में डालो तो कुंदन बन जाए ये होता मकसद इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई 119 में ज़बूर में है ये अच्छा बताओ ये भी कोई बात हुई अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई फिर क्या हो गया मुसीबत उठाने से <laughs> था कि तेरे आईएनसी सीख लूँ अरे अब खुदा के कलाम समझ में आने लगा मुझे मुसीबत की वजह से अरे मुसीबत की वजह से पता लगा वो मेरे साथ है मुसीबत की वजह से पता लगा कि मेरे लिए फतेह है इसीलिए वो कहता है जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं पोलूस कहता है दूसरे करंथियों जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल जरा सोचिए ये कैसी औंधी बात है कि ऐसा होता है हाँ रूहल खुद जब आपकी जिंदगी में काम करेगा तो ये होगा होता है हो रहा है जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है <laughs> कैसी ऐसी अजीब बात है ये पाखरू का काम है जो जारी रहता है क्योंकि मुसीबतें तो आती रहती हैं इसलिए तो खुदा के बंदे ने कहा था ना जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों मुसीबतें तो होती हैं ईमानदारों पर ज्यादा होती हैं आप सच बोलना शुरू कर दें झूठ बोलने वाले आपके दुश्मन हो जाएंगे ईमानदारी से काम करें आप रिश्वत देने वाले आपको खाक में मिला देंगे तो ये तो होता है।, है लेकिन देखो काहिलियत जारी है कुवत जारी है राहत जारी है तरबियत जारी है। एक और चीज़ है जो जारी रहती है ईमानदार की ज़िंदगी में वो है बशारत ख़दमत रूहानी खदमत सबसे बड़ी ख़िदमत जो खुदा अपने बंदे को देता है जिसे बचा रहा होता है तैयार कर रहा हो वो इसलिए होता उसकी है उसकी ज़िंदगी का मकसद किसी और को बचा बता दे ताकि वो बच जाए इसी को बशारत कहते हम बता सकते बचा नहीं सकते लेकिन बताने की खिदमत हमारे सुपुर्द की गई है मिन्नत करने की खिदमत तो हमको दी गई है देखा जब रूहुल कुछ तुम पर नाजुल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे दुनिया की इंतहा तक मेरी गवाही दोगे बताओगे ना उम्मीद मत हो अरे खुदा का पाखों दरवाजा खटखटा कर्ट रहा अपने आप को उसके सुपुर्द कर दो देखो क्या क्या करेगा तब्दीलियां कैसी कैसी पैदा करेगा वो चीज जिसकी वजह से हमारा खुदा के साथ ताल्लुक नहीं हो पाता हम एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं रख सकते खा को तैयार है एक कौम दूसरी कौम को खाना मांग रही बर्बाद करना मांग रही ना बच्चों पर तरस ना औरतों पर तरस ये क्या तमाशा है ये तबाही क्यों है इसलिए कि खुदा के साथ ताल्लुक टूटा हुआ है इंसान का और बाज नहीं आता मानता नहीं है इंसान के ये मेरा कसूर है तो पाखरू बता दिएगा बेटा ये तेरा कसूर है छोड़ दे ये तबाह हो जाएगी तबाह हो जाएगा तेरा घर बर्बाद हो जाएगा छोड़ दे ला मैं तुझे ताकत दे दूँ सच बोलने की ला मैं तुझे ताकत दे दूँ माफ़ करने की ला मैं तुझे ताकत दे देता हूँ बर्दाश्त करने की ये ताकत वो देता और फिर जब ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी तो फिर खुदा आपको उनके पास भेजेगा जिनको ज़रूरत है आप उनको तबाह नहीं करोगे उनकी तहकी हरत नहीं करोगे आप उनके तल तरले करोगे मिन्नत करोगे यही तो लिखा हमारे वसीले से खुदा मिन्नत करता है कि खुदा से मेल मिलाप कर लो देखो खुदा का पागल आपकी ज़िंदगी में कितने खूबसूरत काम करने को तैयार है तो पहले वो आपकी जिंदगी में काम करेगा आप हैरान हो जाओगे ये मैं हूं ये बात मेरी जबान से निकली फिर आप उसकी तरफ देखेंगे आपकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू होंगे कहां से उठा के कहां ला बिठाया मेरे मालिक तेरा शुक्र हो आज का दिन हमारा मुबारक होगा आपके लिए कह दो आए खुदा के पाखरु मुझे तेरी ज़रूरत है अपने आप को उसकी सुपुर्द कर दो आज इस वक्त अरे भाई प्यारी बहन आप जो कला में जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं इसके शुरू से शुरू करने से पहले आज सुबह मैंने और मेरे भाई बड़े प्यारे भाई हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं पैट मॉर्टन खुदा के बंदे हैं ये और बहुत मदद मेरी कर रहे हैं इस मामले में खुदा ने बरकत दे तो हम दोनों ने यही दुआ की थी आए खुदा हज़ारों की बात नहीं एक ऐसा शख्स हो जो इस बात को पहचान ले के, खुदा मुझसे कुछ करने को नहीं कह रहा मुझसे कुछ मांग नहीं रहा खुदा को मालूम है कि मैं लाचार हूँ और कोई मेरा मददगार नहीं वो कह रहा मैं तुझे मददगार दिए देता हूँ यीशु मसीह ने यही तो कहा था मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूँगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे और वो ऐसे काम इतने खूबसूरत काम इंसान की ज़िंदगी में करता है कि जब खुदा उनको देखता है तो खुश होता है कालीत दिखा देगा आपको पता लग जाएगा कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से घर में तबाही मची हुई है आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओगे जी इसकी वजह से खुदा दिखा देगा आपके अंदर कौन सी रुकावट है उसे दूर करने की ताकत दे देगा वो और जब ताकत देगा तो फिर उसके साथ आज वो चैन वो मिलेगा जो आपके पास है नहीं चैन नहीं है लोगों को घरों में सोफा बहुत अच्छा है मगर उस पर बैठ के एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है आरामदेह है सोफा बड़ा आरामदेह बल्कि वो अंदर का कमरा जिस पे सोते वो भी बड़ा आराम दे आराम नहीं है वहां खुदा ये चाहता कि आपको राहत मिले जो पाखरू देगा आपको और फिर देखो तरबियत करेगा सिखाएगा कोई आदमी दुनिया में कह सकता कि जी मैंने सब कुछ सीख लिया वो सिखाता रहता है मैं सीख रहा हूँ बच्चों से सीखता हूँ नौजवान सवाल पूछते मेरे पास जवाब नहीं होता मैं उनसे कहता था। मैं दुआ करके आऊँगा मैं कलाम पढ़ूँगा उसकी वजह से कलाम पढ़ना पड़ता है सीखता हूँ मैं सीख रहा हूँ खुदा करे मेरा सीखना बंद ना हो जिस दिन आँख बंद होगी उस दिन आंख खुलेगी फिर मैं देख के कहूँगा ये है असल ये हकीकत और फिर ये कि ये खिदमत जारी रहती आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके जरिए से किस तक खुदा के खुशखबरी पहुंच गई जैसे खुशबू होती ना ऐसे खुशखबरी पहुंचेगी आपकी जिंदगी से उसको कहते हैं शहादत उसको कहते हैं गवाही देना कह दो खुदा से आज कह दो क्या खुदा मैं तैयार हूँ फिर देखना क्या क्या होगा खुदा को बरकत दे, बहुत बरकत दे और मुझ पर रहम करता रहे